नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसे टेलीकॉम, मैं हूं देवर्ण अग्रवाल। तो एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एक मोटिवेशनल कहानी है। जैसे कि मैंने कहा कि हर हफ्ते मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपको दे सकूं मोटिवेशनल्स, और ख़ुद भी मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूं इन वीडियो से। तो जीवन में जीने के लिए हमें एक सहारा की जरूरत होती है। जीवन में जीने के लिए हर आदमी किसी न किसी को एक ना एक सहारा चाहिए होता है। टिंका एक पोस्ट हो सकता है, ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो आप में से किसी एक के लिए वो टिंका बन जाए। दोस्तों, एक राज्य है जिसके बारे में कहा गया है कि उसका जो राजा है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी समझदार राजा है, और बहुत से अलग अलग राज्य के राजा वो कोशिश करते हैं कि क्यों ना इस राजा के पास जाके कुछ सीखा जाए, क्योंकि वो इतना दिलदार है, वो अपने हर प्रजा के लोगों को खुश रखता है। तो एक दिन उस राजा ने सोचा कि चलो मैं देखूँ कि मेरे प्रजा के लोग वाकई में खुश हैं कि नहीं है। तो वो अपने मंत्रियों के साथ और कुछ सैनिकों के साथ वो भ्रमण के लिए निकल गया। तो नए रास्ते में उसको बहुत सारे लोग मिले, जिसमें से किसी ने उसको अच्छी चीज़ बोली, किसी ने बुरी चीज़ बोली, किसी ने अपने दर्द सुनाए, तो किसी ने उनका सम्मान किया, किसी ने उनके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई। तो ये सारे लोग मिलते रहे, और राजा उस समय इतना खुश था कि वो सबको एक एक सोने का सिक्का दे रहा था। किसी को सोने का सिक्का, किसी को चांदी का सिक्का, किसी को हीरे जवाहरात, वो हर एक किसी को कुछ ना कुछ दे रहा था। किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं दे रहा था, भले वो उसके सामने अच्छी बातें करें या बुरी बातें करें, वो राजा को गाली दें या राजा को अच्छी बात करें, तो उनको कुछ ना कुछ वो दे ही रहा था। जब वो राजा लोगों से बातें कर रहा था, तो उसने दूर कहीं देखा है कि एक भिखारी बैठा हुआ है जो काफ़ी उदास लग रहा है। उसने उसको बुलाया, और सैनिक गए उसके पास। उसने बोला चलो राजा साहब आपको बुला रहे हैं। सैनिक गए, उन्होंने बोला चलो राजा जी आपको बुला रहे हैं। जब भिखारी उसके पास आया, तो उस भिखारी को उसने एक सोने का सिक्का दे दिया। अब भिखारी बहुत खुश हो गया, क्योंकि इतने जीवन में वो सोने का सिक्का कभी नहीं देगा। दोस्तों, जैसे ही उसके सोने का सिक्का उसके हाथ में आया, तो एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो जहाँ बैठा था वो वापस वहाँ जाके बैठ गया, और सोने का सिक्का जोर जोर से हाथों से उछलने लगा, और उसी कारण वो सोने का सिक्का पास में नाली में जाके गिर गया। और फिर वो भिखारी उस नाली में उस सोने के सिक्के को ढूंढने में लग गया। ये चीज़ राजा ने भी नोटिस की, पर राजा ने ये बात सोची कि क्योंकि भिखारी है, एक सोने का सिक्का ज़िंदगी में पहली बार मिला, एक्साइटमेंट ज़्यादा है, तो इस चक्कर में वो उछाल रहा होगा। खैर, ये सबके साथ होता है। ज़िंदगी में हमें कभी कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो राजा ने सोचा कि अब वो कहाँ तक ढूंढेगा उस सिक्के को। तो उन्हें सोचा कि चलो मैं इसको फिर से बुला लेता हूँ और ये सिक्का और दे देता हूँ। और दोस्तों, इस बार उस भिखारी ने अपना वो सिक्का अपने कुर्ते में डाल लिया ताकि वो गिरे ना। पर वो जैसे ही वहाँ पे गया, वो वापस उस नाली में हाथ डालने लगा और अपने गुमे हुए सिक्कों को ढूंढने लगा। तो राजा ने ये बात नोटिस की, और ये देखा कि भिखारी वापस वो सिक्के को ढूंढ रहा है। हो सकता है उसको दो सिक्के चाहिए हो, हो सकता है वो कोशिश कर रहा हो कि दो सिक्के मिल जाए, उसकी ज़िंदगी बन जाए। तो उन्होंने वापस उसको बुलाया और एक सिक्का और दे दिया, ये सोच के कि अब वो नाली में हाथ नहीं डालेगा और वहाँ से चला जाएगा। पर जैसे ही वो वहाँ गया, तो उसने वापस नाली में हाथ डाल लिया और वो सिक्का ढूंढने लगा। राजा को ये बात और ख़राब लगी। उन्हें बोला यार दो सिक्के दे दिए, अब इसको क्या चाहिए, हो सकता है कि इसकी दो की ख्वाहिश हो, चलो मैं इसको फिर से बुलाता हूँ और सिक्का और दे देता हूँ। तो राजा साहब ने उसको एक सिक्का और दे दिया और बोला कि अब तुम ये मत करना। तो वो गया, पर उन्होंने राजा साहब की बात नहीं मानी और फिर से नाली में हाथ डाल दिया। अब राजा साहब परेशान हो गए। उन्होंने बोला यार चलो ठीक है, एक सिक्का मैंने दिया वो नाली में गिर गया, मैंने एक दे दिया, हो सकता है उसको दो चाहिए तो मैंने दो दे दिए, हो सकता है कि इसको एक और चाहिए तो मैंने बोला तुम्हारे पास कम से कम दो हैं जिससे तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो, फिर भी ये दो सिक्के होने के बाद भी नाली में हाथ डालकर वो सिक्के को ढूंढ रहा है और परेशान हो रहा है, ज़िंदगी में बेमतलब के दुख ले रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो सिक्का मिल नहीं रहा दोस्तों उसको। राजा साहब ने उसको बुलाया और डांट के पूछा, क्यों भाई तुमको दो सिक्के दिए थे, क्या किया तुमने उसका कि तुम तीसरा सिक्का ढूंढ रहे हो, तुम्हारे से दो सिक्के से तुम्हारा काम नहीं चलता। तो राजा साहब काफ़ी परेशान हो गए कि ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, इस परेशानी का जो कारण है ये मैं आपको बताता हूँ कि इस दुनिया में हम उसी मानसिकता वाले लोग हैं कि हमारे पास इतना सब कुछ होता है, हमारे पास इतनी खुशियाँ होती हैं, आने वाली खुशियाँ, हमारी आज की जो हमारे पास है जो ज्ञान, और जो हम कल परसों ज्ञान ले सकते हैं, हम वो सारे ज्ञान के बारे में कभी नहीं सोचते। हम बीते हुए इस पल के भांति हम भी अपना हाथ नाली में डाल के उस सिक्के को ढूंढते रहते हैं और दुखी रहते हैं कि जीवन में हमें ये सिक्का नहीं मिला। दोस्तों, क्या आप वाकई में उस भिखारी की तरह हैं कि आपके पास आज इतना सब कुछ होने के बाद भी आप दुखी हैं? क्यों? क्योंकि बीते हुए कल में आपके कोई काम नहीं बना इसलिए। दोस्तों, आज आपके पास ज़िंदगी में आज है, अगर जो भी आज आपके पास है उसको लेकर खुश रहो,
उसको लेकर आगे बढ़ो और आज से ही कल बनता है। कोई भी आदमी पुराना अखबार कभी नहीं पढ़ता दोस्तों, मुझे पूरे यकीन है कि आपने भी कभी जिंदगी में पुराना अखबार कभी नहीं पढ़ा होगा। हमेशा आपको सुबह उठते समय आज दिन का ताज़ा अखबार चाहिए, जिसको हम ताज़ा अखबार बोलते हैं, ताज़ी खबर। ना कभी ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है कि उसको आने वाले दिनों का अखबार पहले से मिल जाए, फ्यूचर का अखबार मिल जाए दोस्तों। सो इसलिए ज़िंदगी में जो चीज़ आपको मिलने वाली है वो आपको सही टाइम पर मिल जाएगी। एक समय में सब कुछ नहीं मिलता है, एक समय में सब कुछ नहीं मिलता है, ये बात मैं दिमाग में ध्यान करके रखिए। अगर हम कभी किसी चीज़ को सीखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि एक बार में हम सब कुछ सीख जाए, तो मुझे लगता है कि ये सोच आपको बदलनी चाहिए। आप धीरे धीरे अगर उस चीज़ को सीख जाएंगे, हाँ मुझे पूरे यकीन है कि जितना आज आप सीखे हैं वो कल से बेहतर है, और जितना आप फिर अगले दिन सीखेंगे वो पिछले कल से बेहतर होगा। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी विनती है और यही आपसे प्रार्थना है कि अपने आप को दुखी मत रखिए कि क्या आपके पास आज नहीं है, बल्कि अपने आप में खुश रहिए और दूसरों के लिए हमेशा चिंतित का विषय बनकर रहिए कि आपके चेहरे पर इतनी मुस्कान क्यों है। ये अक्सर मैंने लोगों को दुखी देखा है मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट पढ़ता हूँ मैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, और कोशिश करता हूँ कि जिंदगी का लक्ष्य यही है कि मेरी कही बात से किसी न किसी एक की ज़िंदगी बदल जाए, क्योंकि जब सोच बदलती है तो ज़िंदगी बदलती है। धन्यवाद।